तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स के सभी फैंस यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी GTA 5 का वीडियो डाले। तो उन्होंने लास्ट GTA 5 का 75 डेज एगो में वीडियो डाला था। तो इसीलिए सभी फैंस डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो डालो। तो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है अब देख लो। और एक बहुत बड़े वाला सॉरी, मुझे मालूम है GTA 5 की वीडियो डले बहुत दिन हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बनाने ही नहीं बैठा, सब कुछ रेडी है, रिकॉर्ड करने नहीं बैठ पा रहा हूँ यार, थोड़ा ट्रैवल्स वगैरह के चक्कर में। बट ठीक है, अभी मस्त टाइम मिल चुका है, सब कुछ रेडी है, मैं कल से वीडियो बनाने बैठ जाऊंगा। बाकी बंदों ने हैशटैग चला रखे हैं, #75DaysOP। ठीक है, आ जाएगी अब वीडियो, सॉरी। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान एंड पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार ने ट्रिगर्ड इंसान को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है, और उन्होंने शिवम मलिक के चैनल पर इंटरव्यू के दौरान क्या कहे आप खुद ही देख लो। भाई आप ट्रिगर्ड इंसान के साथ गए थे कोलैब करने, बताओ ना वहाँ कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज हुई, सब चीज बताइए ना। भाई बहुत मजा आया, लेकिन एक नंबर का छपरी इंसान है भाई। और क्या हुआ, छपरी क्यों? उसकी ना हरकत है छपरियों वाली थी, मैं बताऊं आपको। जैसे वो उसने मेरे सामने उठा के आम खाया, साला आम घुटनी से खा रहा है पूरा, हाथ नहीं छोड़ने, जो उसकी ना हरकत है वो थी। जैसे चौमिन खा रहा है तो बिना कांटे से उठा के यूं हाथ में खा रहा है, पानी भी स्टाइल होगा ना उनका? नहीं स्टाइल नहीं है भाई, उसकी हरकत ही ऐसी है, अधेड़ धड़ निकल रहा था उसका, मतलब बहुत उसकी ना हरकत है बहुत अजीब अजीब से थी। आपके साथ अच्छे से तो होंगे, आदत के तो अच्छा है? नहीं आदत के अच्छा है, लेकिन है एक नंबर का छपरी इंसान, बस यही है। लेकिन भाई ने सपोर्ट बहुत करा, दिल का बहुत अच्छा इंसान, बढ़िया इंसान। हाँ लेकिन दिल का ही बहुत अच्छा है, बाकी तो बाकी नहीं है बढ़िया इंसान, बाकी वो थोड़ा खसी टाइप भी मुझे थोड़ा। तो पुनीत सुपरस्टार ने एक रील अपलोड किया था जहां पर ट्रिगर इंसान ने रिप्लाई किए, लॉर्ड के सामने आम खाऊंगा हाँ हाँ। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं मनोज दे एंड ज्योतिश्री महतो के बारे में। तो मनोज दे ने शादी कर लिया ज्योतिश्री महतो के साथ, और उन्होंने शादी का वीडियो डाला है अपने ब्लॉग चैनल पर। तो बेसिकली दोनों का ही फैमिली शादी करने के लिए मना कर रहे थे, और उसी के कारण ये दोनों भागकर शादी कर लिया। तो मैंने कंग्रेचुलेशंस, एंड ये वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं रोनी के बारे में। तो रोनी ने रिसेंटली इंडोर गए हुए थे, लेकिन वहां पर उसके साथ एक स्कैम हो गया है, जिसके बारे में उन्होंने ये वीडियो में क्या कहा है आप देख लो। बोला गया था कि 1000 रुपए या कुछ भरने पे तुम्हें मिलने का चांस मिल सकता है। यार ये मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, मैंने तो 1 रुपया नहीं लिया इस इवेंट इसके लिए, पूरे चीज के लिए मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि ये सब इवेंट है, अगर मुझे तुम लोग से मिलने मिल रहा है तो यार मैं उसमें खुश हूँ, मुझे उसके लिए पैसे नहीं लेने किसी से। तो आई हैव नो आइडिया अगर कोई भी इवेंट में आया था, ये भी मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोग आए थे और 1000 रुपए सुन के उन लोग एंटर नहीं कर पाए, विच इज ऑब्वियसली यार नहीं चाहिए। क्यों 1000 रुपए क्यों, 10 रुपए भी नहीं रखना है भाई, हम आएंगे हमें मिलना है, हमें साथ में एंजॉय करना है, ये नहीं मैं कभी नहीं लूंगा पैसे यार इन सब चीजों के लिए। तो आई एम रियली सॉरी गाइस, अगर तुम में से कोई भी इंदौर से देख रहे हो और आए थे वहां मिलने और तुमसे ऐसा 1000 रुपए का बोला गया, तो गाइस मैं सच्ची हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ, मुझे शर्म आ रही है, आई एम सो सॉरी गाइस। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो आपको पता ही होगा UK07 राइडर को फैन उसको बाबू भैया बुलाते थे, और वो नाम की वजह से वो बहुत ही नाखुश थे। तो क्यों उसको ये नाम अच्छा नहीं लगता है आप खुद ही सुन लो। मैंने जब अपना करियर शुरू करा था ना, तो मैंने सोचा यार क्या मस्त नाम है बाबू भैया, क्या सूट होता है। बट जब सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं ना सुबह सुबह फोटो खिंचाने के लिए, और वो बोलती हैं बाबू भैया एक फोटो, बहुत दर्द होता है गाइस। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के बारे में। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका एक चैनल है सच तक न्यूज करके, और इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर भी है। तो इसको अरेस्ट करने के लिए BR पुलिस ने अरेस्ट वारंट निकल लिया है। तो क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो जो वीडियो और ट्वीट के माध्यम से बोल रहे थे कि बिहारी लोगों को साउथ में मारा जा रहा है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक टीम बनाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो साउथ में जाकर उसको पता चला वो फेक न्यूज थे, वो सब कुछ नहीं है। तो इसी वजह से BR पुलिस ने वारंट निकल लिया है उसको अरेस्ट करने के लिए, और उसका जो 3 बैंक अकाउंट थे उसको सीज कर लिया BR पुलिस ने, और तीनों बैंक अकाउंट मिलाकर अराउंड 42 लाख रुपीज थे, और वो अब पुलिस के हाथ में है, जिससे वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलविस यादव के बारे में। तो क्या एलविस यादव पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड उन्होंने अपने ब्लॉग में एक रिएक्ट करा है। तो वो क्या रिएक्ट करा है आप खुद ही देख लो। देख रहा हूँ मैं कि हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, हाउ अ पॉलिटिशियन वर्क्स, ये सारी चीजें देख रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें इस चीज पे इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, जिसका इंटरेस्ट है कि, और जो चाहता है कि एलविस भाई भी पॉलिटिक्स में आए, तो भाई जरूर कमेंट करके बताना भाई। बाकी मैं भी जा रहा हूँ दाढ़ी सेट करवाना, क्योंकि ऐसे अच्छा लगता ना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।